जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉक यार्ड देख रहे हैं, मेरा नाम सैयद शाह शाह है। तो जी फाइनली हमारा एक और प्रोजेक्ट अल्टो VXR का वो कंप्लीट हो गया। इसको हमने जो है डेंटिंग की थी, कुछ माइनर पेंट का काम किया था हमने, रूफ से नीचे नीचे कम्प्लीट हमने इसको पेंट किया। अभी कल ही गाड़ी पेंट हुई है और कंपाउंड पॉलिश होगी। इसके अलावा हमने इसमें जो 2012-13 मॉडल का इंजन है 660 cc का, वो इंजन स्वैप किया है। मैं आपको इंटीरियर भी दिखाता हूँ इसका। पावर स्टीयरिंग का काम हुआ है, एसी का काम हुआ है और पावर विंडोज़ का काम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। पहले तो ये जी ये पेंट है, तो माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड जब होगी तो और इसकी गाड़ी की शाइन और बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें जो पावर विंडोज़ के डोर कार्ड्स हैं वो इंस्टॉल किए हैं कंप्लीट, जो ओरिजिनल जैपनीज़ के आते हैं। इसमें तकरीबन ब्लैक कलर में भी आता है, डार्क ब्लैक कलर में भी आता है और इसके अलावा बीच कलर में भी आता है, ठीक है। ये इसका हमने कंसोल पेंट कर दिया है और लीवर ऑटोमेटिक वाला लगा हुआ है। इसके अलावा गाड़ी का मीटर भी आपको दिखा देते हैं, ऑटोमेटिक का मीटर लगा हुआ है इसमें, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। गाड़ी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ और मज़ीद ये है कि इंशाल्लाह ये हमने अभी कस्टमर को दे देनी है, उन्होंने गाड़ी इसकी रनिंग पूरी करनी है और उसके बाद कंपाउंड पॉलिश और इस तरह की चीज़ें कंप्लीट हमने अगले वीक में इंशाल्लाह इसकी करेंगे। ये गाड़ी इसकी जी स्टार्ट हो गई है और ये है जी सूरत हाल, ठीक है। ये पावर विंडोज का, और ये पावर स्टीयरिंग है इसका, ठीक है। मैं आपको अभी इंजन बे भी दिखाता हूँ गाड़ी का, ठीक है। तो ये जी इस वक्त गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है और किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी बेहतरीन है। बस अभी इसका ब्रेक पैडल चेंज हो रहा है, ब्रेक पैडल चेंज हो गाड़ी बाकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो ऑलरेडी सारी कवर हो गई हैं और बेहतरीन। इसके अलावा हमारे पास एक और नया प्रोजेक्ट आया अल्टो VXR का, इसमें भी हमने इंजन स्वैप करना है, लेकिन उससे पहले हमने गाड़ी का जो फ्रंट है वो पेंट करेंगे, इसका जो हुड है वो पेंट करेंगे और ओके करेंगे। ये गाड़ी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है, इसकी टेस्ट ड्राइव लेना बाकी है। वो गाड़ी जैसी अभी हमने गाड़ी डिलीवर करनी है। पेंट की क्वालिटी आप माशाल्लाह देख रहे हो, ये बेहतरीन है। जैसे ही वो गाड़ी निकलती है साथ इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है और सेंटरों पर काम स्टार्ट हो गया, उसका इंजन का काम हमने फिटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। अभी इंजन रखेंगे और फाउंडेशन देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है फाउंडेशंस की, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर करनी है सारी, ठीक है। तो बाकी ये है कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो फाइनली जी सेंटरों पर हमने काम शुरू कर दिया है और इंजन इंशाल्लाह हम इस तरह से सेट करेंगे कि बेहतर से बेहतर है इंशाल्लाह। फाउंडेशन इसके चार फाउंडेशन लगाएंगे सेंट्रो का, बेसिकली जो होता है वो तीन फाउंडेशन होते हैं, एक यहाँ पर है, एक फ्रंट पर है, एक गियर का है, ठीक है। तो हमें टाइमिंग वाला भी ऑपरेट करना है और ये चारों ऑपरेट करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। गियर का भी करेंगे, बैक का भी करेंगे, फ्रंट का भी करेंगे, ठीक है, और सामने वाला भी करेंगे। तो देखते हैं, कोशिश हमारी ये है कि जो मेन तीन है, टाइमिंग वाला पीछे का और उसके अलावा जो गियर का है, तो ये तीनों तो ऑपरेट करें ही करें, और फ्रंट का भी हम क्योंकि इस इंजन में फ्रंट का नहीं होता, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये जो फाउंडेशन है तो ये जो वाला सामने वाला है तो ये कहाँ पर हम इसकी माउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल ये कि हम बैक का फाउंडेशन सेट करें, इंशाल्लाह बैक का फाउंडेशन सेट हो जाए उसके बाद हमने दूसरा टाइमिंग वाला फाउंडेशन सेट करना है और गियर का करना है। तो ये तीनों इंशाल्लाह हो जाए, फ्रंट का इंशाल्लाह फिर होपफुली हो ही जाएगा। तो ये सारा सीन है, अल्टो हमारी बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अभी हमने जो आगे का प्लान है हमारा वो सेंट्रो का है, सेंट्रो की इंजन की फिटिंग है और शिराड की इंजन की ऑलमोस्ट वो कंप्लीट ही हो गई है, ठीक है। तो वो हो गई है, ये दो गाड़ियों का काम है। उसके बाद जी हमारे पास जो नई गाड़ी आई है इसमें मैंने आपको बताया कि इंजन पे पेंट करना है, इंजन स्वैप करना है
और वेल्डिंग शेल्डिंग जो भी हैं छोटे मोटे काम, एसी का काम होगा, तो ये सारे छोटे छोटे काम हैं वो करने। मज़ीद अभी हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स लेंगे, क्योंकि आज हमने कोई इस अल्टो के साथ 3 गाड़ियाँ और मज़ीद डिलीवर कर दी हैं, और मज़ीद ये कि इंशाल्लाह ये अल्टो जो सिल्वर वाली है ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ये भी ऑलमोस्ट हमने गाड़ी ओके कर दी है, इसकी टेस्ट ड्राइव रह गई है वो लेके, और इंशाल्लाह उसके बाद हमने इसमें पावर स्टीयरिंग लगा के उसके बाद तो जी अल्टो हमें डिलीवर कर दी है, और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं। अल्टो की बाकी सारी कवरेज मैं करता हूँ, कल अल्टो की कवरेज करता हूँ, और इंशाल्लाह कल आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।